डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक का डोज लोगों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। हर साल पूरे विश्व में 7 लाख मौत हो रही है, जो 2050 तक 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इसको लेकर WHO चिंतित है और लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। ये जानकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मंगलवार को दी गई। यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता पलसानिया और डॉक्टर अभिषेक जिनवाल ने एंटीबायोटिक के नुकसान की जानकारी दी। बताया, हमारा शरीर खुद एंटीबायोटिक बनाने में सक्षम होता है, इसलिए हमें हर छोटी मोटी बीमारी में सीधे दवाई नहीं लेना चाहिए। जब भी कोई समस्या हो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिना सलाह के लिए ली गई दवाई हमारे लिए घातक होती है। डॉक्टर पलसानिया ने बताया कि एंटीबायोटिक के अधिक इस्तेमाल को लेकर WHO चिंतित है और लगातार अभियान चला रहा है। इस दिशा में कई कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। नए नियमों के माध्यम से मेडिकल स्टोर से लेकर डॉक्टरों पर एंटीबायोटिक डोज को लेकर गाइडलाइंस दी जाएगी। जो जीवाणुरोधी दवाइयाँ रहती हैं उसका चरणबद्ध उपयोग में आना चाहिए। उसे किसी प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा ही लेना चाहिए। किसी भी मरीज को किसी भी बीमारी के लिए अपनी मर्जी से दवाइयों के स्टोर से जाके अपना इलाज नहीं करवाना चाहिए। और कहीं ना कहीं उसमें ये जागरूकता रहनी चाहिए कि कुछ बीमारियां जो सामान्य रहती हैं, जो कि मौसम के कारण रहती हैं, उसमें जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक्स का ज़रूरत नहीं रहती है। हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ही इतनी रहती है कि जिससे कि हम अपने इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं अभी समाज में ये जागरूकता नहीं है। कुछ भी अगर थोड़ी सी भी बीमारी होती है तो उसको इंसान को ये लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। पर हर बीमारी अपना एक समय लेती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि वायरल बीमारी होती है, उसमें कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।